यूनसम से एक खता जरूर हुई लेकिन उन्होंने उसका इतराफ किया तो अल्लाह अल्ला ताला ने उनको दोबारा चुन लिया नबी ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये कहना जायज नहीं कि मैं बिन मत्ता से बेहतर हूं कि मैंने वो गलती नहीं की जो उनसे हो गई थी तो ये यूनसलाम की दुआ है इला का इन्नी कुमाल नबी सल्हलम ने फरमाया जुन्न की दुआ जब वो मछली के पेट में थे यानी लात सुबह का इन्नी कुमी जब भी कोई मुसलमान किसी मामले में इन अल्फाज के साथ अपने रब से दुआ करे वो दुआ उसके लिए जरूर कबूल होगी यानी ये दुआ की कबूलियत का जरिया भी है ये दुख दूर करने वाले कलिमात है रसुल्लाम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं कि जब तुम में से किसी आदमी को दुख और परेशानी और दुनिया की आजमाइशों में से कोई आजमाइश आए तो वो इस दुआ को पढ़े तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी तो आपसे कहा गया क्यों नहीं आपने फरमाया वो मछली वाले की दुआ है ला अला सुबह न का इन्नी कुन् तुम नरे सिवा कोई इलाह नहीं तू पाक है बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ तबरी कहते हैं कि सलफ सालिन इन अल्फाज के साथ दुआ मांगते थे और इस दुआ को दुआ कर्ब कहा करते थे यानी तकलीफ दूर करने वाली दुआ का नाम देते और लाला ला जो है ये अफसल तरीन जिक्र है उसके जरिए भी बंदे को परेशानियों और गमों से छुटकारा मिलता है यहां पर हम देखते हैं कि यून सलाम कुछ मांग नहीं रहे सिर्फ अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और अपनी खता का एतराफ़ कर रहे है तो याद रखिये अहल इम कहते है कि दुआ की दो किस्में होती है एक दुआए सना और दूसरी दुआए तलब एक है अल्लाह तला की तारीफ पर मबनी दुआ और दूसरी दरखास्त यानी कुछ मांगना अल्लाह सुबहान ताला से या तलब करना तो दुआ सना क्या होती है जैसे ये है लाला कुंतुन और जैसे ला इल्ला वह ला शरीक लहू लहुल मुल्क लहु वह दुआन कदीर याफा के दिन की दुआ है इसी तरह अयुबल ने जो दुआ की थी अन्नी मसनी अर हम्राहमीन ये भी अल्लाह तला की हमद सना है और दुआ तलब क्या है जिसमे इंसान अल्लाह का जिक्र पर तारीफ करके उससे कुछ मांगता है यानी स्पेसिफिक दुआ करता है तो इस दुआ में एक तरफ लाला ला अंत सुबहना का है और दूसरी तरफ अपनी खता का इतकाब है याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुआ की कोई महदूद गिनती वारिद नहीं हुई यूनुस सलाम के बारे में भी नहीं पता चलता कि उन्होंने कितनी दफा इसको पढ़ा लेकिन उन्होंने एक दफा भी जब उसको पढ़ा होगा पूरी तड़प के साथ पूरी शिद्दत के साथ तो अल्लाह सुभान व तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली तो इसलिए लाजिम अपने ऊपर ना कीजिए कि सवा लाख दफा ही जरूर इसको पढ़ना है या सौ दफा जरूर पढ़ना है जितनी दफा चाहे आप पढ़े चाहे लाख दफा पढ़े चाहे सौ दफा पढ़े लेकिन पाबंदी इसकी जरूरी नहीं कि इतना पढ़ेंगे तो दुआ कबूल होगी असल चीज है वो जज्बा वो इखलास वो शौक वो तड़प जिसके साथ इंसान दुआ मांगता है तो इस दुआ के ऊपर आप गौर करें तो इसमें सबसे पहले ला इला है, इला 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 है जो कमाल तोहिद का बयान है और दूसरा फिर सुबहाना का है जो कमाल पाकिजगी का इजहार है कि अल्लाह ताला हर ऐब और बुराई से पाक है और तीसरे अपनी गलतियों का एतराफ है यानी ये तीन ऐसी बेहतरीन चीजें कठी हो गई हैं, कि जिसकी वजह से दुआ कबूल होती है और फिर इसमें इन चीजों को दरअसल वसीला बनाया गया है अल्लाह की तोहिद का इकरार करके इसको लाला ला ला को वसीला बनाया गया तस्वीर पढ़कर वसीला बनाया गया इनतों में नबूदियत का इकरार किया गया और अपनी गलती का एतराफ किया गया तो ये सब दरअसल दुआ की कबूलियत के लिए एक वसीला बन गया इब्ने कय कहते हैं जहाँ तक मछली वाले की दुआ का ताल्लुक है तो इसमें रब जल्ला की कमाल तोहैद उसकी कमाल पाकिजगी पाई जाती है और उसमे बंदे का अपने जुल्म और गुनाह का इकरार भी है और ये मुसीबत परेशानी और गम के इलाजों में सबसे मौसर इलाज है और हाजतों को पूरा करने के लिए अल्लाह सुबहान ताला तक पहुंचने का सबसे मर वसीला है और यहाँ पर तोहेद की अकसाम का भी एक तरह से जिक्र है और इकरार भी है तोहीद का इकरार जो है ये दरअसल इंसान को रब के आगे झुका देता है इससे अल्लाह ताला की अजमत का एहसास इंसान के दिल में आता है और फिर तस्वीर पढ़कर इंसान अल्लाह सुबहाना को इंतहाई पाकिजा करार देता है जो कि उसके शायन शान है और अपने ऊपर गलती को लेता है और खुद अपने रब की तरफ रुझू करता है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत लतीफ तरीके से जुल्म पर माफी की दरखास्त है उन्होंने अपनी जात पर अपने जुल्म का जिक्र किया जो जुल्म की तीसरी किस्म है ना? यानी जुल्म और इंसान का अपना नफ्स तो याद रखिये अपने गुनाहों का एतराफ करना हाजात पूरी करने का सबसे अफजल दरवाजा है अल्लाह अजीम है करीम है उसके आगे मिस्किन बन जाये उसके आगे फकीर बन जाए और सारी कुव्वतों का मालिक कुदरत का मालिक उसी को समझे और फिर अपने रब को तड़प कर पुकारे तो इनशाला दुआ कबूल होगी गम दूर हो जाएंगे, हाजात पूरी हो जाएगी इनशाला